देवियों और देवताओं, हर मनुष्य के सामने व्यवहार है। प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति, ये तीन का व्यवहार है। देह और आत्मा दोनों का संबंध जीवन है। देह का अपना पक्ष है व्यवहार, आत्मा का अपना पक्ष है अध्यात्म। आदमी केवल देह वृत्ति को लेकर के जीता है, केवल व्यवहार व्यवहार व्यवहार, और व्यवहार भी वो ठीक नहीं करता है। व्यवहार ठीक होगा तो परमार्थ बनेगा। देह और आत्मा दोनों है जीवन में। देह का व्यवहार झुठलाया नहीं जा सकता है, मेहनती होना चाहिए। कहीं भी रहो मेहनती रहो, अपने क्षेत्र में खूब गतिशील रहो, लेकिन आध्यात्मिक काम भूलना, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना, जो हमें गुदगुदी लगती है दुनिया की, यही हमारे लिए धोखा है। सारी गुदगुदी झूठी है। बच्चों की तोतली बोली, प्रिय पत्नी की मनोहर छवि और पति का, पति की मनोहर छवि पत्नी के लिए, सम्मान, प्रतिष्ठा, गुरुवाई, जो कुछ भी है, इसमें अगर गुदगुदी लगती है तो फिर फंस गया। सारी गुदगुदी झूठी है। अभी आप गजल में सुना, एक दिखावा है, एक मेला है, और इसके खारिज होने में देरी नहीं है, अचानक हो जाएगा। कमाना खाना, बाल बच्चे पैदा करना, पालना पोषना, राग द्वेष करना, कलह करना, मर जाना, क्या जीवन है? कमाना खाना मजबूरी है और परिवार पोषना भी मजबूरी है, करना पड़ेगा। लेकिन ये सब करने के साथ और क्या करना चाहिए, इसका ख्याल बहुत कम लोगों को है। इसलिए बाहर से संपन्न होकर के भी लोग भीतर से विपिन्न हैं। बाहर से भरे भरे हैं, भीतर से खाली खाली, असंतोष असंतोष, पीड़ा पीड़ा। इसलिए व्यवहार को ठीक से समझें और परमार्थ का काम करें। प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, व्यवहार में तीन आते हैं। प्राणी में मनुष्य के अलावा जो प्राणी हैं उनमें कोई चक्कर नहीं। आप हजारों गाय, भैंस, घोड़े, गधे, ऊंट, बैल, हाथी पालें, रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए चारा चाहिए, पानी चाहिए, बस, और कोई चक्कर नहीं। लेकिन आदमी का एक बच्चा पाल के निभाना बहुत मुश्किल है। महा शैतानियत आदमी में होती है और इसी में देव है। जानवर, आदमी, फरिश्ता, खुदा, आदमी की भी हैं सैकड़ों किस्में, आदमी की सैकड़ों किस्में हैं। इसी में जानवर है, इसी में आदमी है, इसी में फरिश्ता है, इसी में खुदा है। देवता और परमेश्वर इसी में है और शैतान भी इसी में है। बड़ी सावधानी से मनुष्यों का व्यवहार करना उचित है। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, सब आदमी हैं और सब जगह वही समस्या है। समस्या में अंतर है। गृहस्थ हैं तो उनके जितने बाल बच्चे होंगे सबका, उनके भी बाल बच्चे होंगे, उनका परिवार होगा, अपने अपने बच्चों के लिए चिंता होगी। विरक्त में कोई बाल बच्चे नहीं है और वो चिंता नहीं है, उसको लेकर के कोई कलह नहीं है,
अपना अपना अहम भाव है, अपना अपना अहंकार है, वासना है, संस्कार है, और उसी को मिटाने के लिए वहाँ साधना है। जो साधना में लगेगा मिटाएगा, नहीं साधना में लगेगा तो वहाँ भी उद्यम बन करेगा। इसलिए विरक्त गृहस्थ कोई भी हो, गृहस्थों का परिवार कहलाता है, साधुओं का समाज कहलाता है, दोनों जगह मनुष्य हैं, और दोनों जगह मनुष्यों के साथ सुंदर बर्ताव करना और पदार्थों का विवेक पूर्वक उपयोग करना, परिस्थितियों में न घबराना, ये जरूरी है। यहाँ जितने मनुष्य बैठे हैं प्राणी हैं, और ये चदोवा लगा है, बिस्तर बिछा है, लाउडस्पीकर है, ये सब पदार्थ हैं। प्राणी सचैतन्य है और पदार्थ अचैतन्य है, और इन दोनों की विशेष स्थित परिस्थित है। दो घंटे के पूर्व यहाँ की परिस्थित भिन्न थी, अब भिन्न है, एक घंटा के बाद भिन्न हो जाएगी, दो घंटे के बाद बिल्कुल भिन्न हो जाएगी, कल आप यहाँ आकर के देखेंगे तो बिल्कुल भिन्न स्थित होगी, ये सब उखड़ गया होगा। तो प्राणी पदार्थ और परिस्थिति तीन में हम चलते हैं, और इन तीनों में अनासक्त होकर के जो व्यवहार करता है वो कुशल है। आसक्ति पूर्वक व्यवहार करने से राग द्वेष की प्रवृत्ति चलने लगती है, और उसी में सारा क्लेश उत्पन्न होता है। न कोई प्राणी रहेगा, न पदार्थ रहेगा, न परिस्थिति रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन उनके द्वंद्व में अगर आदमी फेल हुआ तो जीवन से फेल हो गया, और उनमें रहते हुए अपने को संभाल करके रखा, संतुलित रखा, वो सफल हुआ। कौन प्राणी रहने वाला, मेरा कौन है, कोई मेरा नहीं, एक व्यवहार है, किससे मोह किया जाए, कौन अपना है कौन पराया, व्यवहार में अपना पराया मानना पड़ता है। अपने घर में आप जा करके बैठेंगे, दूसरे घर में नहीं घुसेंगे, तनख्वाह पाएंगे या व्यापार में या खेती में अन्न अपने घर में रखेंगे, सबके घर में बांटेंगे नहीं, ये संभव नहीं। जैसे खेत अलग अलग है वैसे परिवार अलग अलग है, अपने अपने खेत में सब काम करते इसे परिवार में, तो अपना पराया मानना पड़ता है। परम विरक्त संत भी लंगोटी अचला कमंडल अपना संभालता है, दूसरे का नहीं। इसलिए अपना पराया माने बिना व्यवहार चल नहीं सकता है। लेकिन अपना पराया बिल्कुल झूठ है, इसको समझे बिना कोई शांति नहीं पा सकता। निर्वेद और कर्म में सदैव द्वंद रहा, कर्म और निर्वेद। कर्म यानी सांसारिक काम करना, और निर्वेद वैराग्य। श्री पूर्ण साहिब ने कहा है, लिखा है वैराग शतक में, दृढ़ निर्वेद जाको हो स्वयं मुमुक्ष बड़ भाग। वही मुमुक्ष बहुत बड़ा भाग्यशाली है जिसके चित्त में दृढ़ निर्वेद होता है। निर्वेद में दृढ़ विशेषण है, निर्वेद का मतलब है ग्लानी, संसार की वास्तविकता को गहराई से देखना निर्वेद कहलाता है। शरीर को गहराई से देखो, शरीर को गहराई से देखो तो क्या देखोगे, अंदर में हड्डी की एक झोपड़ी है, कंकाल मांस भरा है, नसें फैली हैं, उसमें रक्त बहता है, टट्टी पेशाब की थैलियां अंदर में लटकी हैं, पसीना रक्त यही सब मल का पिंड शरीर है, और साथ साथ मन उद्वेग है, अशांति है, पीड़ा है, कला है, चित्त है, और नश्वर है। जीव इसको छोड़ करके चल देता है, रह नहीं जाता है।
बावे दादे नहीं रहे, कोई नहीं रहेगा, इन बातों को सोचना निर्वेद है। और कर्म, काम करना, खेती करना है, व्यापार करना है, नौकरी करना है, कला का काम करना है, मशीन बनाना है, पुस्तकें बनाना है, बांध बनाना है, विद्युत ताप गृह स्थापित करना है, बहुत काम करना है, कर्म है अपने। कर्म और निर्वेद ये दोनों में द्वंद रहा है। जो नहीं समझते रहे एक दूसरे का खंडन करते रहे, लेकिन इनमें द्वंद नहीं। महाभारत में बात ज़्यादा आती है। महाभारत महाकाव्य ऐसा है कि इस धरती तल पर वैसा अनोखा महाकाव्य नहीं है। रामायण अपनी जगह पर है, रामायण का अपना महत्व, वाल्मीकि रामायण का, लेकिन महाभारत तो उसका चार गुना बड़ा है। और पूरी एशिया की कहानियाँ और ज्ञान रूप बदल बदल करके उसमें भरी है। कर्म और निर्वेद के विषय में उसमें समय समय से जगह जगह चर्चा आती है। गीता में इसका समन्वय किया गया है। गीता भी महाभारत में, भीष्म पर्व में गीता आती है और उसमें इसका समाधान किया गया। कर्म करना चाहिए और वैराग होना चाहिए। बारंबार अनासक्त के विषय में जोर है गीता में। दुख दोषानुदर्शनम, दुख दोष का अनुदर्शन करो, बारंबार दर्शन करो। देह में दुख है और दोष है, ऐसे अपने को बचाओ। बारंबार वैराग की बात है, लेकिन कर्म करो, निष्काम कर्म करो। कामना कुछ पाने की इच्छा न करो, कर्म करो। इस बात को लोग नहीं समझ पाते, वे आलोचना करते हैं कि आदमी निष्काम होगा तो कर्म कैसे करेगा। लेकिन ये साधना का विषय है। जो साधना में निष्काम है, साधना करता और निष्काम मन का है और कर्म करता है, वो इसको समझता है, बाकी लोग नहीं समझ पाते। श्रद्धा हो तो भी समझे। कितने अच्छे अच्छे लेखक इसकी आलोचना करते हैं, लेकिन गीता जो कहती है निष्काम कर्म, ये आलोच्य नहीं है, सत है। कामना रहित होकर के कर्म करने से कर्मों में उज्ज्वलता होती है, और कामना बद्ध आदमी जो काम करता है उतना उज्ज्वल नहीं होता है। तो कर्म और निर्वेद में विरोध नहीं। कबीर का तो जीवन ही वही है, वाणी और जीवन दोनों वही है। कबीर स्वयं कपड़ा बुनते हैं और वैराग की बात कहते हैं। यद्यपि ये अवसर उनको कम मिला, थोड़े दिन में वो संत रूप में हो करके भ्रमण में लग गए। जैसे महाराज कृष्ण गाय चराते थे, लेकिन थोड़े दिन में वो राजनीति के काम में जोर से लग गए। परंतु उनको गाय चराने का अवसर होता तो फिर चराते, गाय चराना वो बुरा न मानते। कबीर साहब को कपड़ा बुनने फिर काम आता तो कपड़ा बुनते। नाली साफ करना होता, कबीर साहब बड़े प्रेम से नाली साफ करते। वेद के जितने ऋषि हैं सब कर्म करें, गाय चराते हैं, दवाई कूटते हैं, भड़भूज का काम करते हैं। ये तो वर्ण व्यवस्था के अभिशाप ने मोटा काम करने वाले को छोटा मान लिया। तब से भारतवर्ष में ये हो गया कि जो मोटा काम करे वो छोटा है, और यहाँ तक कह दिया गया वो अछूत है, और जो हाथ पैर बटोर के बैठा रहे वो पवित्र है। लेकिन वेद में ऐसा नहीं है। वेद में सभी ऋषि कर्म करें, हल चलाते हैं। सीरा अंजन दिकवयो, ये वेद के मंत्र का अंश है। सीर कहते हैं हल को, नागर को। सीरा बहुवचन में, कवि का अर्थ होता है ज्ञानी, अंतर्दृष्टा। सामान्य भाषा में हिंदी में तो कवि का अर्थ है जो कविता करे और कविता गावे, लेकिन संस्कृत भाषा के अनुसार कवि का अर्थ है जो आर पार देख ले,
अंतर्दृष्टा ज्ञानी अनासक्त पुरुष। ज्ञानी हल चलाता है, इंद्र हल चलाता है, ऐसा वेद में आता है। उपनिषद के ऋषि आत्मज्ञानी हैं और कर्म कर हैं, गाय चराते हैं। श्री कृष्ण महाराज महावैभवशाली व्यक्तित्व और वे गाय चराते हैं। कबीर साहब अपने को जलहा कहते हैं, ब्राह्मण नहीं कहते। उनके लिए एक प्रक्षेप दोहा बना दिया गया है ब्राह्मण का, न मालूम किसने बना दिया। पहले जन्म हम ब्राह्मण होते, ओछे कर्म मत ही ना, रामदेव की सेवा छूटी पकड़ जलाहा कीना। पहले जन्म में हम ब्राह्मण थे लेकिन ओछा कर्म था, मतहीन थे, तो भगवान ने मुझे पकड़ करके जलाहा बना दिया। इसका मतलब यह है कि आज भले वो जलाहा रहे लेकिन पहले जन्म के ब्राह्मण रहे। ऐसा कोई दोहा बनाने वाला घृणित दृष्टि वाला रहा, तुच्छ बुद्धि का। इस जन्म में कबीर जलाहा है तो पहले जन्म का ब्राह्मण है, ये सिद्ध करना महाछिछलापन है। कबीर ऐसे कच्चे धागे के नहीं थे कि अपने को ब्राह्मण कहें तो ऊंचा हो। कबीर तो ऐसे पक्के थे हीरा कि व्यवहार में जो है सो कहते हैं, बारम्बार अपने जलाहा कहते हैं। जलाहा अगर बुरा है तो कपड़ा न पहनो, जलाहा का तो यही तो अपराध है कि कपड़ा बुनता है, तो जो अपराध से काम बना है वो कपड़ा न पहनो। कपड़ा सब पहनते हैं, तेली देख करके अशुभ होता है तो तेल न खाओ। अनेक गंदी रूढ़ियाँ, तो कबीर अंदर बाहर एक ठोस, कर्म करो कि वो पक्षधर। इसलिए नानक दादू दरिया घीसा पलटू इत्यादि संतों की एक वाहिनी एक सेना तैयार हुई कबीर के बाद, जो सब कर्म कराए। उपनिषद और वैदिक परंपरा के अनुसार ये नया सृजन हुआ और कर्म करो के प्रति निष्ठा सदगुरु कबीर ने जमाने के लिए कहा। इसलिए उनका जो कुछ करो सो पूजा। कर्म और निर्वेद में फर्क नहीं है, विरोध नहीं है। आदमी को कर्मशील होना चाहिए और वैराग्यवान होना चाहिए। वैराग्यवान का मतलब कपड़ा बदलना नहीं, आश्रम बदलना नहीं, अनासक्त होना चाहिए। वैराग्यवान शब्द भड़काऊ है, अनासक्त होना चाहिए, ये कोमल शब्द है। अनासक्त हुए बिना दुख से मुक्त नहीं हो सकते हो। अब आसक्ति बहुत प्यारी है, इसीलिए दुख झेलना है, सब दुख झेल रहे हैं। जितनी आसक्ति बनाओगे उतना दुख पाओगे। श्रीमद् भागवत में एक मंत्र आता है, आत्मैव ह्याप्तनो गुप्ता निर्विद्येत यदाखिलात् अप्रमत् इदं पश्येत् ग्रस्तं कालाहीना जगत्। आत्मैव ह्याप्तनो गुप्ता, आत्मा ही आत्मा का गोप्ता, गोप्ता का मतलब रक्षक। आत्मा स्वयं आत्मा का रक्षक है, लेकिन कब? निर्विद्येत यदाखिलात्, जब अखिलात के प्रति निर्वेद हो जाए, सब के प्रति वैराग्य हो जाए, सब के प्रति अनासक्ति हो जाए। वैराग्य तो करना है, एक दिन सब छूट जाएगा, लटा दिया जाएगा और लोग कहेंगे भैया मर गए, सब छोड़ देना होगा, उसमें कोई मुरुवत नहीं है। तो देह रहते रहते अनासक्त रहो, परिवार की सेवा करो, मेहनत करो, जम के काम करो, सेवा करो, मोह न करो, यही चारा और कोई चारा नहीं। निर्विद्येत यदाखिलात् आत्मैव ह्याप्तनो गुप्ता, आत्मा ही आत्मा का रक्षक हो जाता है जब वो सब के प्रति अनासक्त हो जाता है। अप्रमत्त इदं पश्येत्, प्रमाद छोड़ करके यह देखो, ग्रस्तम कालाहीना जगत, काल अहिना जगत ग्रस्तम, काल रूपी सांप जगत को पकड़ रखा, सब काल के गाल में, जो कुछ दृश्यमान है सब काल का चबैना है। 100 वर्ष के पहले का जो कुछ है सब मिट गया, ये भी मिट जाएगा, सब काल का चबैना है।
यह जो सदैव ध्यान में रखता है वो मोह नहीं करता है। मोह नहीं करता इसलिए वैर नहीं करता है। उसके चित्त में राग द्वेष की आग नहीं रहती है, उसके मन में चिंता नहीं रहती, उद्वेग नहीं रहता है, अपने विरोधी के लिए कोई खलबली नहीं रहती है, वो विरोधी के लिए अपने मन में शांत भाव रखता है, किसी से उद्वेग नहीं, किसी से चिढ़ नहीं, किसी से कोई तकलीफ नहीं। सारी तकलीफ तो अपने पाप का फल है। लोग जैसा समझते वैसा कहते हैं, ये दुनिया पूरा पागल खाना है और हम सब अपने अपने पागलपन को कम करो और पागलपन को शून्य कर दो, बस मुक्त हो। यहाँ कलह है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, विवाद है, अच्छे लोगों की निंदा होती है, ज्ञानियों विवेकियों की निंदा होती है। जो राग द्वेष रहित पूर्ण कल्याण स्वरूप हैं उनकी निंदा होती है, और निंदा करने वाले अच्छे लोग होते हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, भक्त हैं, संत हैं, लेकिन निंदा करते हैं, उनकी बुद्धि वैसे है, ईर्ष्या है, कम समझ है, और कुछ है, सद्गुण भी है दुर्गुण भी है, दोनों है। कोई आदमी बिल्कुल दुर्गुणी नहीं है, कोई आदमी सद्गुणी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बिल्कुल दुर्गुणी कोई नहीं। सद्गुण है लेकिन दूसरे की निंदा बिना वजह करते हैं। यहाँ निंदा पा करके जो बौखलाएगा वो कल्याण कर पाएगा, वो शांति से रह पाएगा। एक सज्जन बड़े अफसर हैं, उनको जब कोई कट कहता है बड़ा हो तो समय से उसका पैर छूते हैं, और छोटा हो तो प्यार कर लेते हैं, गले से लगा लेते हैं समय से। अद्भुत है, और बड़े अफसर हैं, शरीर में भी दिग्गज है, माइंडेड। लेकिन जब कोई कहा फलाने आपको कट कह रहे, नहीं नहीं कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं, आप ये मत सोचिए, वो कुछ नहीं कर रहे। अब ये समझ कितनी ऊंची समझ है। कितने लोग तो इसके लिए साधना करते करते बूढ़ा जाते हैं, ऐसा मन नहीं बना पाते, साधना करने में उनकी कमजोरी है। कोई हमें गाली देता है और गाली दे करके संतुष्ट हो जाए, कम दे रहा और दे ले, कोई हर्ज नहीं। निंदा करता है, सबसे खराब इस दुनिया में मैं हूँ, क्यों नहीं स्वीकार लेते हो, क्या झगड़ा रह जाएगा। हिम्मत, इतनी हिम्मत होना बहुत मुश्किल है। कमजोर स्नायु के हमें, दुर्बल नस के। कोई कह दे तुम बुरे हो, लाल हो जाते हैं, हम बुरे हैं, लेकिन विवेकवान को कह दो तुम बुरे हो, सिर झुका लेगा, मैं बिल्कुल बुरा हूँ। सबको बता करके अच्छा होना है, आज तक कोई हो पाया है सबको बता करके अच्छा? कोई नहीं हो पाया। कल्याण का रास्ता है सिर झुका लेना, सबसे सिर झुका लेना। व्यवहार में मधुरता का बर्ताव करो, व्यवहार की चर्चा में शांति पर्व में एक कथा आती है, श्री कृष्ण गृह कला से काफ़ी पीड़ित हैं, वे नारद के पास जाते हैं और नारद से कहते हैं कि भगवान मैं बहुत दुखी हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि ऐश्वर्य भोगता कृष्ण है लेकिन मैं दुख भोगता हूँ, मेरे परिवार वाले बड़ा कलह करते हैं। जो समझदार न हो, मित्र न हो और संयत चित्त न हो, उससे अपनी गुप्त बात नहीं कहना चाहिए। आप समझदार हैं, संयत चित्त हैं और मित्र हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ। मेरे घर में आहुक और अक्रूर, ये दोनों बहुत समझदार हैं लेकिन दोनों बहुत लड़ते हैं। आहुक को समझाऊं तो आहुक समझते हैं तो अक्रूर के पक्ष में हैं, अक्रूर को समझाऊं तो समझते आहुक के पक्ष में हैं। मेरा लड़का प्रद्युम्न अपने सौंदर्य के मोह में डूबा रहता है, मेरे बड़े भाई बलराम
बल का घमंड अभी भी है। जो मुझे भोग मिलता है उसका आधा हिस्सा परिवार के लिए छोड़ देता हूँ तो भी किसी का मुंह सीधा नहीं, मैं कलह में पीड़ित हूँ, महाराज कुछ रास्ता बताइए। नारद ने कहा, महाराज एक दुख ऊपर से आता है, एक दुख भीतर से। आपका दुख भीतर से, ऊपर का मतलब है अचानक कहीं चोट लग गई, कुछ हो गया, तो अपना दोष नहीं है। जहाँ हम बैठे ऊपर से पत्थर गिर पड़ा या कुछ हुआ, लकड़ी गिर पड़ी, लेकिन हमने किसी को गाली दी, उसने चटे लगा दिया, ये तो मेरे भीतर का दोष है। नारद ने कहा, महाराज ये आपके भीतर का दुख है, आपने बचपन से ही मारना सीखा, आपके सामने समस्या भी थी। कंस मामा के जेल में इनके माता पिता वसुदेव देवकी थे, वहीं तो पैदा हुए थे कृष्ण महाराज। जेल खाने में जो पैदा हो गया तो उसका संस्कार क्या होगा अपने माँ बाप के लिए, कि हमारे माँ बाप को जेल में डाले थे कंस मामा, और कंस मामा कृष्ण को मारना भी चाहते थे, तो कृष्ण तो शुरू से ही बहुत चतुर थे, उन्होंने कंस को मार दिया। तो दुश्मन को मार देने से शत्रु मरता नहीं है, रक्त बीज को मारो तो जितना जितनी बूंद रक्त की गिरती थी उतना रक्त बीज हो जाता था, ये अलंकार में कहा हुआ है। बूंद मनुष्य बन के नहीं खड़ा होगा, अर्थ है दुश्मन को मारोगे तो दुश्मन बढ़ेंगे, अस्थि और प्राप्ति। कंस की दो पत्नियां थीं जो जरासंध की पुत्री थी, जरासंध मगध नरेश था जो पूरी एशिया में सबसे बलवान था, अब बहुत राजे उसके अधीन थे। जब अस्थि प्राप्त दोनों उसकी लड़कियां विधवा होकर गईं पटना, आजकल बिहार का पटना, पटना से दक्षिण मगध क्षेत्र है, कंस क्रुद्ध हुआ, मथुरा पर चढ़ाई किया, 17 चढ़ाइयां की, लेकिन कृष्ण बलराम को बच्चा समझ के मारता नहीं था, और निर्णायक युद्ध नहीं होता था। हरिवंश पुराण में लिखा है कि हम यादवों की मीटिंग की श्री कृष्ण ने, तो कहा उन्होंने मीटिंग में कि हम 100 वर्ष युद्ध करें जरासंध से तो भी पार नहीं पाएंगे, इसलिए अब छोड़ देना है। तो मथुरा को उन्होंने छोड़ दिया, परिवार सहित चले गए द्वारिका बसे। आपको अपने गांव को छोड़ के जाना हो, सोचिए कितना कष्ट हो गया। श्री कृष्ण महाराज के सामने इस समस्या आई, शत्रु को मारने से शत्रु बढ़ते हैं। नारद ने कहा, महाराज आप अपने लड़कों को मारना सिखाया, युद्ध करना सिखाया, अब युद्ध सब खत्म हो गए हैं तो कहाँ युद्ध करें, आदत है तो आपस में लड़ते हैं। जो अपने बच्चों को लड़ना सिखाएगा पहले बाहर लड़ेंगे फिर आपस में लड़ेंगे, जो अपने बच्चों के सामने झूठ व्यवहार करेगा तो बच्चे सीखेंगे फिर झूठाई का व्यवहार अपने पिता से करेंगे, जो कलह करेगा क्रोध करेगा झगड़ा करेगा लड़ाई करेगा वो अपने बच्चों को क्या बता रहा है, खराब संस्कार दे रहा है। पति और पत्नी अगर प्रेम से रहें और वे माँ बाप की सास ससुर की सेवा करें, बहू सास ससुर की सेवा करें और लड़का माँ बाप की, और आगे जो बच्चे पैदा हों उनके अच्छे संस्कार फिर मिलेंगे। अगर पति पत्नी कलह करते हैं तो घर के बुजुर्गों की सेवा नहीं होती है और बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिलते हैं, इसलिए सुंदर बर्ताव परिवार में बहुत जरूरी है। कहा, महाराज आपका बनाया दुख है, आपने अपने लड़कों को लड़ना सिखाया और लड़ाइयाँ अब खत्म हो गई हैं, वो लड़ने की आदत है इसलिए आपस में लड़ते हैं, आप ऐसा कीजिए, अनायसेन शस्त्रिणा मृदना हृदय छिदा जिह्वा मुद्धर सर्वेशां परमृज्जान मृज च, एक ऐसी तलवार बनवाइए जो लोहे की न हो और उसका परिमार्जन अनुमार्जन करके यानी खूब तेज करके अपने परिवार वालों की जीभ काट लीजिए, ये आलंकारिक कथन है।
वो कौन तलवार है? मीठा वचन। मीठा वचन बोलिए, मीठा वचन बोल करके अपने परिवार वालों की जबान काट लीजिए। कोई कट बोला, आप मीठा बोल दिए, तो उसको चुप होना है। लेकिन ये बहुत साहस का काम है, दुर्बल आदमी ये नहीं कर सकता है। दुर्बल आदमी तो थोड़ी प्रतिकूलता पाके भड़क जाएगा और दुगना गाली देगा। जो बड़ा वीर होगा गाली पा करके मीठा बोलेगा, शांत रहेगा और मीठा बोलेगा, और यही कल्याण का रास्ता है। वीर बनो। परिवार में जहाँ 4 लोग 6 लोग 10 लोग हैं 15 लोग हैं जितने भी हैं, सबके संस्कार अलग हैं, सबकी रुचियाँ अलग हैं, सबकी प्रकृति अलग है, सबका स्वभाव अलग है, सबकी योग्यता अलग है, तो आप अपने अनुसार सब कराना चाहेंगे तो असंभव है। सहन कीजिए, दूसरे को सहिए और अपने को न सहाइए। किसी का कट सह लें, स्वयं कट न करें। सबके अंदर से जहर उबलता रहता है, जहर और अमृत सब में है, लेकिन अमृत दबा रहता है, जहर उभरा रहता है, क्योंकि हर जीव प्रतिष्ठा और भोग की कामना वाला है। भोग और प्रतिष्ठा की जितनी कामना होगी, जहर उतना ज़्यादा होगा, और हर आदमी के अंदर से जहर उबलता रहता है। कट कहना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, भड़क जाना, नहीं तो अंदर अंदर गुब्बारा गाल फुलाए बैठे। सास बहु से, बहु सास से गाल फुलाए बैठी हैं, बातें नहीं करती हैं। मजबूर होकर के परोस करके भोजन देना पड़ता है। बहु परोसती है भोजन, सास को देती है, लेकिन बोलती नहीं। पति को भोजन परोसती है, लेकिन पति से बात नहीं कर पाती। पिता पुत्र मजबूर हैं, आपस में वहाँ हैं, लेकिन पिता पुत्र से बात नहीं करता है, पुत्र पिता से बात नहीं करता है। ये पाप, ये जहर, अहंकार, केवल अहंकार। अभी आपको बता दिया जाए प्रबलता से, और आपको विश्वास हो जाए कि रात 8 बजे तक शरीर छूट जाएगा, तो मन की स्थिति बिल्कुल अलग हो जाएगी। अब 8 बजे क्या है, सांस आया न आया क्या पता है। जो अंतिम स्थिति को देखता है वो वक्र नहीं होता है, सरल होता है। वक्र होने से तो कला है। हम नरक में जीना चाहते हैं कि स्वर्ग में? प्रेम स्वर्ग है और ईर्ष्या द्वेष नरक है। सदगुरु कहते हैं, प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरु नाच, पानिप दिनों तास को जो तनमन बोले सांच। ए कबीरु, प्रेम पाट का चोलना पहन करके नाचो। वे अपने नाम को अन्य पुरुष के रूप में उपस्थित करके कहते हैं, ए कबीरु, अर्थ है ऐ लोगों, प्रेम रूपी कपड़ा ले आओ और उसका अंगरखा बना लो, बड़ा चोलना, उसको पहन के नाचो। तो प्रेम का कहीं कपड़ा होता है? भिलाई का दिल्ली में भी नहीं, अमेरिका में भी नहीं, इंग्लैंड में भी नहीं। प्रेम पाठ का चोलना पहन करके नाचने करता है। सारा काम प्रेम पूर्वक करो। माताएं भोजन बनाएं प्रेम पूर्वक, भोजन परोसें प्रेम पूर्वक। समझे हम भगवान भगवती को भोग लगा रहे हैं और गुस्सा में भरी भोजन पकाई, थाली में रखी, पति के सामने पटक दी थाली, तो ये पूजा थोड़े बनेगा। प्रेम से भगवत पूजन कर रही हो ये समझो। दुकान पर दुकानदार ग्राहकों को भगवान भगवती समझे, उनको सौदा दे ईमानदारी से, मार्जिन उचित ले, धोखा न दे। क्लर्क और अफसर ऑफिस में बैठे हैं, ग्राहक आते हैं कितनी दूर दूर से, कहते 10 दिन के बाद आना, क्योंकि घूस नहीं दिया है। घूस दे दे तुरंत काम हो जाएगा। ऐसे भगवान के भक्त हैं कि राक्षस हैं?
भगवान के भक्त का टाइटल लगा लेना तो बहुत सरल है। भगवान का भक्त वह है जो प्राणी को कष्ट नहीं देता। प्राणी से अलग कहीं भगवान आप पाएंगे? सर्व मेन सर्व गॉड, मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा है, प्राणियों की सेवा ईश्वर की सेवा है। तो जितना हमारा काज क्षेत्र है, प्रेम पूर्वक काम करें। पानिप देनो तास को जो तन मन बोले सांच। साहब कहते हैं जो तन से मन से और वाणी से सच्चा होता है, प्रकृति उसको पानिप देती है। पानिप का अर्थ होता है चमक। जिसकी वाणी सच है, मन सच है, इंद्रियों के व्यवहार पवित्र हैं, उसके जीवन में अपने आप चमक आ जाती है। चमक का मतलब चाम का चमक नहीं, वो अंदर से ज्योतित हो जाता है, आत्मसंतुष्ट, आत्मतृप्त, और उससे अन्य लोग भी लाभ लेते हैं। ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में कोई हो जो कलह न करता हो, कट न बोलता हो, राग द्वेष न करता हो, कामनाओं लालसाओं में डूबा न हो, संतुष्ट हो, आत्मतृप्त हो, हम लोगों के लिए वरदान होगा। यही तो उपासना की जगह है। तो नारद ने कहा कृष्ण से कि महाराज, आप मीठे वचन का प्रयोग कीजिए, धन का उचित बंटवारा कीजिए और मन देख करके काम लीजिए। मनुष्यों के साथ बर्ताव मधुर होना सबसे जरूरी है। जिन मनुष्यों में आप रह रहे हैं, मधुर बर्ताव, और मधुर बर्ताव करने में हमारा अहंकार आड़े आता है और कामना। साहब ने कहा है, काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारे, बिरले तेजन बाचे हैं राम ही भजे बिचारे। काला सांप सबके शरीर में है और सबको झार झारा वो खा रहा है। उससे वही बचेगा जो विचार पूर्वक राम भजन करता है। कबीर का राम घट घट बासी आत्मा, महाराज राम में वो सीमित नहीं है, कृष्ण में भी है, मोहम्मद में भी है, ईसा में भी है, और कीड़े मकोड़े में भी वो राम है। वह राम जिसको विद्वानों ने भी कहा, रमनते योगिनो जिसमें नित राम, योगी जन जिसमें रमण करते वो राम है। महाराज राम हमारे पूज्य हैं, आदर्श हैं, आदरणीय हैं, लेकिन जो राम सार्वभौमिक है उसमें देश और काल की बाधा नहीं है। राम के पहले राम नहीं था, राम सब समय। अवध क्षेत्र में एक बढ़िया कहावत है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घर घर लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। ये देहाती लोग कम विद्वान नहीं होते हैं, अपनी भाषा में ऐसी बात कहते हैं पूरा वेद शास्त्र होता है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम तो दशरथ का बेटा है श्री रामचंद्र जी, और एक राम है घट घट लेटा, सभी देहों में वो विश्राम कर रहा है राम। और उसमें क्या फर्क है, एक राम है जगत पसारा, एक राम जगत पसारा में डूबा है, और एक राम है जग से न्यारा, एक राम जगत से न्यारा है। तो साफ है कि एक तो महाराज श्री राम है, वह हमारे पूर्वज हैं, लेकिन जो सार्वभौमिक राम है वो घट घट में है। लेकिन घट घट में होते हुए ये फर्क है कि कोई देहधारी जगत पसारा में डूबा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और उसके लिए लड़ाई झगड़ा और कलह, और जीवन भर कलह करते करते मर गया, वो राम को समझा नहीं। और एक राम है जग से न्यारा, एक राम है जो अपने को समझ लिया और जगत से न्यारा हो गया। जगत से न्यारा का मतलब जगत से कहीं भाग जाना नहीं, जगत से भाग के कोई कहाँ जाएगा? हम लोग भागे तो आपके बीच में हैं, कहाँ गए? कहीं नौकरी करते होते तो अब तक रिटायरमेंट हुए कितने दिन हो गए होते? अभी इस उम्र में भी हमारा रिटायरमेंट नहीं हो रहा है। तो संसार ही में रहना है। जगत से न्यारा का मतलब है जगत की आसक्ति छोड़ देना, आसक्त न होना। ये राम का रामत्व है, यही असलियत है। महाराज श्री राम का रामत्व है जब उनको रात में बताया गया दशरथ द्वारा
कि तुम्हें सुबह राजगद्दी दी जाएगी। और सुबह कैकेयी ने कहा कि राजगद्दी भरत को दी जाएगी, तुम्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ है। दशरथ तो कह नहीं पाए, कैकेयी ने कहा। तो लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि राम को शोक नहीं हुआ, ये राम का रामत्व है, शोक न होना। ये हम अपने आदर्श पुरुष का आदर्श ले, कहीं कुछ नुकसान हो जाए तो शोक न हो। जो लोग कहते हैं कि राम तो दिखावा कर रहे थे, लीला कर रहे थे, वो तो दुनिया के मालिक हैं, तो नाटक कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे, तो राम का महत्व पूरा समाप्त हो जाता है, नाटक हो जाता है, कोई आदर्श ही नहीं है राम के जीवन में। कौन सा आदर्श, वो लीला कर रहे थे, दुनिया भर के मालिक थे, तो जंगल में घूमे क्या फर्क पड़ता है। पूरी वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि राम लीला कर रहे थे, कहीं नहीं लिखा है। ये पीछे के कवियों ने ऐसा किया और गोस्वामी जी ने इसको बहुत कहा डाला, लीला बना डाला, रामचरित को लीला बना डाला। रामचरित लीला नहीं, वो लीला नहीं करते थे, वे क्षण क्षण कष्ट भोग करके सत्य में दृढ़ थे, ये आदर्श है। तो राम अंतरात्मा है, जो अंतरात्मा को समझ करके अनासक्त हो जाता है वो दुख से मुक्त होता है। जो काम कर ले जाए, मन का मोह छोड़ दे, मुक्त है। कहीं कबीर थे, उबरे जाए न मोह समाए, जिसके मन में मोह नहीं समाता उबर जाता है। परमार्थ का काम करो, इसके लिए ध्यान दो, सदाचार अपनाओ, अंडा मांस मछली से दूर रहो, नशा से दूर रहो, पान तक न खाओ, दांत खराब होते हैं पान से, और सात्विक भोजन करो, किसी के धन को नाजायज तरीके से न लो, किसी की बहू बेटी पर कुदृष्ट न करो, देवियां पर पुरुषों पर कुदृष्ट न करें, अपने में संयमित रहें, ब्रह्मचर्य का पालन अधिक से अधिक गृहस्थ लोग भी करें, संयम से रहें, और झगड़ा विवाद में मन न लगाओ, प्रेम का बर्ताव करो। इस प्रकार जब भूमिका पवित्र बनेगी तब चित्त की निर्मलता होगी और परमार्थ फलेगा। खेत को गोड़ कर, जोत कर, खाद पानी डालकर, कमाई करके बीज डालने से फसल होती है, ऐसे नहीं होती। जब तक हमारा जीवन समरस नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, सदाचार में नहीं होगा, तब तक आध्यात्मिक फल कैसे लगेगा। इसके लिए जरूरी है कि रोज अकेले में बैठो, एकांत, ज्ञान का ग्रंथ पढ़ो, चिंतन करो और ध्यान करो। ज्ञान का ग्रंथ पढ़ो और उसमें आपके विचार निर्मल होंगे। व्यवहार में कूड़ा कचड़ा आ जाता है तो सदग्रंथ के अध्ययन से कूड़ा कचड़ा हट जाएगा। फिर चिंतन करो कि मेरे में कितने दोष थे और कितने घटे, कितने सद्गुण बढ़े, आत्मा का चिंतन करो, और फिर ध्यान भी करो, मन एकाग्र करो। ये सब जब रोज करोगे तो चित्त में परिवर्तन आता जाएगा, शक्ति बढ़ती जाएगी अध्यात्म की, और धीरे धीरे जिस दोष को आप छोड़ने में अपने को समझते हो दुर्बल, वो दोष देखोगे कि छूट गया, छूट रहा है और छूट गया। कई गृहस्थ साधक कहते हैं कि साहब जब से आपका संपर्क हुआ बड़ा अंतर आया, आपने बताया और सोचा, अध्ययन मनन करने लगा, अब उतना क्रोध नहीं करता हूँ, और दुख आता है तो सह लेता हूँ, पहले सह नहीं पाता था। कोई साधना करे प्रत्यक्ष जीवन में घटेगा, परिवर्तन आएगा। तमसामा ज्योतिर्गमय हमारे ऋषियों ने कहा, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो, तो कौन ले चलेगा, संत सदगुरु रास्ता बताते, खुद चलना पड़ेगा। इन सब बातों पर ध्यान दे। मैंने आपसे कहा था कि शरीर है और आत्मा है, दोनों है। शरीर का व्यवहार है, इसके साथ व्यक्ति जुड़े हैं, परिवार के लोग जुड़े हैं, काम धंधा है, वो सब करो, विवेक से करो और न्याय से करो, और सभी से मित्रता और मिठास का व्यवहार करो, और अंतिम स्थिति को समझो। कोई किसी का नहीं है, शरीर अपना नहीं है, इस सच्चाई को ओझल रखना
अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है। चाहे कितने आप दुलरुआ हो, कितने लोग कहते हैं साहब मेरी पत्नी तो मुझे गोद में ले रहना चाहती, और कितनी ये भी लड़कियां हैं जो बहुत बड़ा उनका दुलार है। ये दुलार कितने दिन का है? थोड़े दिन का। ऐसे जितना ऐश्वर्य है और जितनी बड़ाई है सब थूथी। देखो अटल जी जो कुछ वर्षों के पूर्व देश विदेश में चमकते थे, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर नेताओं में, तो अटल जी क्या पूछें। आज वे अवसाद में कमरे में पड़े हैं, मिलने वाले भी उनको नहीं, विस्मृत भी रहती है और मिलने वाले नहीं। ये दुनिया है। लाओ त्से ने लिखा है, लाओ त्से क्या कहते हैं, मेरी एक पुस्तक है चीन के संत जो 2500 वर्ष पूर्व हुए हैं, उन्होंने कहा है अल्पता, अकिंचनता, असमर्थता और अकेलापन सबको आना है। बहुत बड़ा पूंजीपति है, खरबों की संपत्ति है, देश विदेश में फैक्ट्रियां फैली हैं, लेकिन एक दिन आएगा कि वो खाट पर पड़ा रहेगा अकेला, और उसके पास दवाई पानी रहेगी, वो पैसा वैसा नहीं रहेगा, दवाई पानी रहेगी, और असमर्थता रहेगी, उठ बैठ नहीं पाएगा। अंबानी जी इतना मोबाइल का प्रचार किए लेकिन एक मोबाइल साथ नहीं ले जा सके। ये हमारे सामने है सब, दादा बाबा आओ पर पाजा, जिनके ये भूई भाड़े हो, आंधर भे यो की फूटी तिन का है सब छाड़े हो। इस संसार असार को धंधा अंत काल कोई ना ही हो, उपजत विनसत बार न लागे जो बादर की छाही हो, नाता गोता कुल कुटुम सब इनकर कौन बढ़ाई हो, कहें कबीर एक राम भजे बिन बूढ़ी सब चतुराई हो। राम भजन बिना सब चतुराई डूबेगी, राम भजन अंतरात्मा का शोधन। इन बातों पर ध्यान दें, व्यवहार मधुर रखें, आध्यात्मिक उन्नत करें, केवल कमाना खाना बाल बच्चे पैदा करना उनसे लड़ना झगड़ना कलह करना मर जाना ये कोई जीवन नहीं है। इन पर सोचो मनन करो, अपने आप को उठाओ। आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।